सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, तो कैसे, उम्मीद करता हूँ सब खैर खरियत से हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पर देख ही लिया हो, आप कार्बोरेटर की हालत चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही जो है ना इसकी ख़राब हुई हुई थी। हमने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। आपने थोड़ा सा इस तरह सिस्टम जो है ना बना लेना है। आप जो भी बर्तन ले लें और इसमें थोड़ा सा तेजाब डाल देंगे। तेजाब डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना सर्फ डालेंगे। आप कोई भी सर्फ डाल सकते हो, कोई मसला वसला नहीं है। सर्फ डालने के बाद मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, पानी और तेजाब को और सर्फ को अच्छी तरह। अब इसका कार्बोरेटर जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह हमने इसको वॉश करना है। जितना वॉश करेंगे उतना ये साफ़ होता चला जाएगा, और जैसे 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 आप साफ़ करते जाएंगे वैसे वैसे ये साफ़ होता जाएगा। अच्छी तरह जो है ना आपने इसको अच्छी तरह ना ब्रश जो है ना मारना है। अच्छी तरह जितना ही मारेंगे उतना ही ये साफ़ होता जाएगा। तो आपके सामने रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा। जो भी होगा आपने अच्छी तरह जो है ना वॉश कर लेना है। हम थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी फास्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको जल्दी समझ आ जाए। आपने सिर्फ बैटरी वाला ही तेजाब इसके अंदर डालना है और कोई तेजाब वगैरह नहीं डालना। शायद आपका कार्बोरेटर ख़राब हो सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ बैटरी वाला तेजाब ही यूज़ करना है इसके अंदर। आपके सामने रिजल्ट जो है ना निकल के आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ये साफ़ होता जाएगा जो है ना आपके सामने ही है। अभी तो इसको और भी वॉश करना है, साफ़ करना है। आपके सामने रिज़ल्ट जो है ना निकल के आ चुका है। GIG रिज़ल्ट जो है ना नज़र आ रहा होगा आपको। कार्बोरेटर वही है जो हमने आपको दिखाया था, आपके सामने है। बिल्कुल ओरिजिनल हालत में ये कार्बोरेटर आ गया है।